हेलो ऑल वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ आस्था फ्रेंड्स टुडे अगेन आई एम शेयरिंग अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी विथ यू ऑल बहुत अच्छी ओपनिंग आई है बहुत अच्छी कंपनी से आई है बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी आपको यहाँ पर ऑफ़र हो रहा है एंड बेस्ट पार्ट इज़ सभी फ्रेशर्स यहाँ पर एलिजिबल हैं किसी भी स्ट्रीम में आपने किया है ग्रेजुएशन एंड बी ई बी टेक आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है अगर आपको एक्सपीरियंस है वैलिड प्रोफाइल का तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं डिटेल में बात करेंगे पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करूँगी ओके उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट ऐसे ही रेप्यूटेटेड कंपनीज़ के एम के गवर्नमेंट जॉब्स के सभी जॉब अपडेट्स मैं आपसे शेयर करती हूं इसी चैनल पर तो कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब बात करते हैं कि ये जॉब नोटिफिकेशन आया कहाँ से है ये नोटिफिकेशन आया है हॉकिंस की तरफ से जी हाँ दोस्तों हॉकिंस ने अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए इसमें आप अगर एस फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका ट्रेनिंग रहेगा फॉर एटीन मंथ्स बट आपको जो पैकेज ऑफर होने वाला है वो है एट टू टेन लैक्स ओके आपका ईयरली पैकेज रहेगा एट टू टेन लैक्स ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा एटीन मंथ्स का आफ्टर दैट आप कंफर्म हो जाएंगे कंफर्मेशन पे आपका जो पैकेज है वो हो जाएगा टेन टू ट्वेल्व लैक्स पर एन बहुत अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर हो रहा है एस फ्रेश इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी तो फ्रेंड्स अप्लाई ज़रूर कीजिएगा कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ चार्ज नहीं हो रही है आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई करना है कैसे करना है डिटेल में बताऊँगी अप्लाई करके एक रिटर्न एग्जाम होगा आपका रिटर्न एग्जाम के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको जी डी ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा एंड देन पर्सनल इंटरव्यू ये फर्स्ट विल सी कि किस किस डिपार्टमेंट कि कि में आपके यहाँ पर ओपनिंग्स आई हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में पोजीशन है अकाउंट्स एंड कमर्शियल में पोजीशन है एच आर ह्यूमन रिसोर्सेज में पोजीशन है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स टू सीनियर मैनेजर लेवल की पोजीशन है टेक्निकल इंजीनियरिंग में भी आपके यहाँ पर पोजिशन है इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डिटेल में आप पढ़ सकते हैं लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ओके okay? बट जो भी ग्रेजुएशन है आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ओके टेक्निकल और इंजीनियरिंग में अगर आपने बी किया है किसी भी स्ट्रीम में लाइक मैकेनिकल में सिविल में इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल्स में डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ओके एचआर के लिए जो पोजीशंस है उसमें अगर आपने एमबीए किया है एचआर में तो आप प्रेफरेबल रहेंगे अदरवाइज़ आप ग्रेजुएशन भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिटेल आपको मिल जाएगी एस प्रोग्रामर भी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं अगर आप प्रो, प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फॉर एग्ज़ाम्पल सी सी प्लस प्लस एस क्यू एल जावा विजुअल बेसिक्स ये सब आपको आना चाहिए अगर आपको नॉलेज है आपने बी वगैरह किया है कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री आपके पास है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लीगल में भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं डिटेल आप चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी ओके okay, अप्लाई करने के लिए जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर है आपकी एज ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी एट ईयर्स के बीच में होनी चाहिए ना विल सी कि आपको अप्लाई कैसे करना है अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड ही यूज़ करना है इंक एक लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएंगे वहाँ पर अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी आपका नाम आपकी क्वालिफिकेशन किस प्रोफाइल में आप इंटरेस्टेड हैं आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा वो आपके मोबाइल पर आपको एक ओटीपी मिलेगा जिस ओटीपी की हेल्प से आप अप्लाई कर पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसीड कर पाएंगे आपको यहाँ पर आप एक आपका एक अपडेटेड सी अपलोड करना है उसके साथ ही आपको एक हैंड रिटर्न नोट अपलोड करना है जिसमें आपको ये मैंशन करना है कि आप इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड क्यों हैं ओके प्रोसीजर पूरा रीड कर लीजिएगा इसके बाद आपको अपना अपडेटेड सी वी विथ लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है अपलोड करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल कन्फर्म हो जाएगी वहाँ पर आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी ठीक है उसके बाद आपके पास ऑनलाइन एग्जाम अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बोला जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन होगा प्रोसीजर जो भी उसके बाद होने वाली है वहाँ के एचआर आपको एक्सप्लेन कर देंगे आपके पास कॉल आएगा हॉकिंस की तरफ से ओके रिटर्न एग्जाम में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा रिटर्न एग्जामिनेशन सभी प्रोफाइल्स के लिए नहीं होने वाला है जिस भी प्रोफाइल के लिए ये होगा उसके लिए आपके पास एचआर की तरफ से कॉल आ जाएगा ओके तो ये पूरी प्रोसीजर थी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है फ्रेशर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज पैकेज बहुत अच्छा ऑफर कर रहे हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा अपलिकेशन चार्ज नहीं है जैसे मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट है तो अप्लाई कीजिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओके और ऐसे ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑफ़ कैंपस ड्राइव जो भी हो रहे हैं करंटली वो सभी मैं आपसे शेयर करूंगी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं एसेंजर का ऑफ़ कैंपस चल रहा है टी का चल रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी में वैकेंसीज़ आई हैं सभी मैंने शेयर किए हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी जितनी भी एमएनसीज की पोजीशंस आई हैं वैकेंसीज आई हैं सभी के वीडियोस में आपसे शेयर कर लेती हूँ ओके okay, तो सभी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो साथ ही इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस पोजिशन के लिए एलिजिबल हैं ओके okay? कोई भी डाउट होता है आपको रिलेटेड टू योर इंटरव्यू प्रोसीजर रिलेटेड टू योर एग्जाम प्रोसीजर किसी भी जॉब नोटिफिकेशन में कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आई एम एन एच आर बाई प्रोफेशन तो आई एम श्योर आई बी एबल टू हेल्प यू ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू जॉब अपडेट थैंक यू